हैं। नेक्स्ट है इमेज कॉन्सेप्ट्स सिंबल साइंस लैंग्वेज मसल एक्टिविटीज एंड ब्रेन फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड अडेप्टेशन मोटर डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग प्रोसेस। देखो बहुत ज्यादा मैंने सारे जिन्हें मैं जो दो तीन पेपर रीड कर चुका हाँ उदे विच सब तो अच्छा जो क्वालिटी वाला क्वेश्चन लगा है वो ये लगा है इस जिसने भी ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया है मैं मुबारकबाद दिना हाँ। इस तरह के पेपर सेटर चाहिए हैं कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करके पता लग जाए कि कौन अच्छा टीचर बनेगा कौन नहीं। ठीक अच्छा उन्हें देखना है कि वैसे सिंपल तरीके ना भी इहदा आंसर मिल सकता है लेकिन सानू सारिया टर्म्स दा मीनिंग पता होना चाहिए है। दूसरा इमेज कंसेप्ट सिंबल साइंस हुंदे की है ये पता होना चाहिए है। ठीक है ये सारा कुछ किस विच इन्वॉल्व हुंदे हन इमेज कंसेप्ट सिंबल साइन लैंग्वेज ब्रेन फंक्शन जदों तक इत्थे रहने हाँ तो असीं बिल्कुल क्लीयर हाँ कि ये एब्सट्रैक्ट कम चल रहा है ए थिंकिंग या रीजनिंग सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग छुएगा। ठीक एक गल पक्की याद रखनी है कि जदों असी सोचते हाँ ब्रेन तो कुछ भी सोचते हाँ उदे विच कोई मसल काम नहीं करता कोई भी मसल काम नहीं करता सो थिंकिंग प्रोसेस लई किसी मस्कुलर एक्टिविटी की जरूरत सीधे च नहीं है तुसी बिना मस्कुलर एक्टिविटी या ब्रेन विच कोई मसल काम नहीं करता जिस करके तुसी सोचते हो। ठीक है सो दूसरा जो असी डेफिनेशन पढ़ते हाँ कि थिंकिंग दी डेफिनेशन की है तो मोस्ट ऑफ दी साइकोलॉजिस्ट ने इसनू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी किया है इट मीन्स ये दोनों लगभग कॉग्निटिव लेवल से शब्द आते हैं इट मीन्स दोनों डिलीट हो रहे नजर आ रहे हैं जी ये ठीक है तो ये भी ठीक होएगा एक ऑप्शन लेनी है इस दो नहीं ऑफ होंगे हैं क्यों क्योंकि इतने मसल एक्टिविटीज उन्होंने क्वेश्चन विच पाया है मसल एक्टिविटी सब तो ज्यादा किस विच होंदियां हैं पर सानू कन्फ्यूज कादे विच किया गया है कि इमेज कंसेप्ट सिंबल साइन लैंग्वेज ये सारा कुछ थिंकिंग नाल रिलेटेड है क्यों क्योंकि एक थिंकिंग दे वाहिकल या इंस्ट्रूमेंट्स ने वाहिकल जिदा मान लो तुसी एक तुहाडी कार है ठीक है आलो चक्कर ठीक है बन गए तुसी इहदे विच बैठे हो ठीक है इसी तरह थिंकिंग ये कार जो है ये इमेज भी हो सकती है कार कंसेप्ट भी हो सकता है सिंबल भी हो सकता है साइन भी हो सकता है लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक हुण सिंबल ते साइन विच वखरे वीडियो विच इन्हां च डिफरेंस दसांगा इत्थे जानण दी जरूरत नहीं है। लैंग्वेज पूरा सिंबल सिस्टम है असीं जानदे हां सारा जो लिखिया होया है एल है ए एन जी लैंग्वेज है मसल है ये किसी होर चीज नूं रिप्रेजेंट कर रही है सारा लैंग्वेज सिस्टम सिंबॉलिक सिस्टम है। जो तुसीं सोच रहे हैं ये मन नूं सोच रहा है कि मेरे मम्मा बहुत चंगे हैं ये कहना चाहते हैं मम्मा नूं तो पर मम्मा नूं कितना कहेंगे मम्मा नूं तां बोल के कहेंगे ना ये मम्मा ने इन्हां दे बोल के कहेंगे ना सो इन्हां दी थिंकिंग कादे उत्ते चढ़ के जाएगी मम्मा दे कोल थिंकिंग कादे उत्ते चढ़ के जाएगी केड़ी कार ते लैंग्वेज लैंग्वेज ते चढ़ के दैट इज वाई ए सिंबल साइंस लैंग्वेज जो है ये सारा कुछ थिंकिंग दे वाहिकल्स हैं। ठीक ते प्रॉब्लम सॉल्विंग वैसे वाइडर कंसेप्ट है बहुते थिंकर्स ने इसनों थिंकिंग प्रोसेस नाल जोड़िया है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस हुंदी है क्योंकि नवा सॉल्यूशन जो लभदे हां उदों डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है। हुण असीं देखते हां कि साडा फिर रिस्पोंस इहदे विचों की आंदा है। ठीक क्योंकि ये सारा कुछ ठीक है चाहिदा है ब्रेन फंक्शनिंग भी इहदे लई भी चाहिदी है थिंकिंग लई भी ते प्रॉब्लम सॉल्विंग लई भी चाहिदी है लेकिन मसल एक्टिविटी दी जरूरत दिखाई नहीं दिंदी मसल एक्टिविटी सिर्फ इत्थे दिखाई दिंदी है। हुण असीं इह देखना है कि मसल एक्टिविटी मोटर डेवलपमेंट लई सानूं इमेज कंसेप्ट सिंबल साइन लैंग्वेज ते ब्रेन फंक्शनिंग चाहिदी है इसका बड़ा प्यारा एक उत्तर है। फर्स्ट टाइम प्याजे ने अपनी थ्योरी विच कहा सी कि मसल एक्टिविटीज लई
सॉरी कोग्निटिव डिवेलपमेंट ते मोटर डिवेलपमेंट एक दूजे नूं सपोर्ट करदियां हन। वाइगोस्की ने लैंग्वेज डिवेलपमेंट नूं कहा सी कि लैंग्वेज पे करदी है, लेकिन पियाजे ने मोटर एक्टिविटीज नूं कहा सी कि ओ सपोर्ट करदियां हन। पियाजे दे अनुसार इत्थे बोर्ड ते चलदे हां, पियाजे दे अनुसार ए बच्चा जो है ए बच्चा है ठीक, बच्चे दी मोबिलिटी जेड़ी है, मोबिलिटी मीन बच्चा किन्ना मूव कर सकता है, बच्चा जदो हजे रिड़ ही रहा है ठीक है, जा हजे बैठ ही सकता है, रिड़दा नहीं है, बैठ सकता है, जो रिड़ सकता है उदो मूव ज्यादा कर सकता है, जो मूव ज्यादा कर सकता है वो ऑब्जेक्ट एक नो टच करेगा, ऑब्जेक्ट दूसरे नु टच करेगा, ऑब्जेक्ट तीसरे नु टच करेगा, मूव करके करेगा ना। अच्छा ऑब्जेक्ट नु मूव विच पाएगा, ऑब्जेक्ट नु सुटेगा, ऑब्जेक्ट नु हिलाएगा। सो ये सारी जेडियां एक्टिविटीज ने मस्कुलर, मस्कुलर मतलब जिथे मस्कुलर ते मूवमेंट आ गई, मूवमेंट हां उस नु असी कह देने हां मोटर। ओके जे बच्चे ने ओ चीजां अच्छी तरह कर लिया, सीख लिया कि किस तरह कोई चीज सुटनी है, बॉल किवें सुटनी है, ते इहदा मतलब है हो गई डिवेलपमेंट। सो जदों उहनू इह पता लग गया बॉल किस तरह सुटनी है, तुर के कितना जाना है, ते की उहदी थिंकिंग नाल नहीं डिवेलप होई, उसनू पता लग गया कि बॉल है ए सॉफ्ट है हार्ड है, इस साउंड किस तरह दी है, इसनू सुटना किवें है, इस तो आवाज कितना प्रोड्यूस करनी है, मैं दूसरे तक किवें पहुंचाना है। हजारा एबिलिटीज डिवेलप हुईयां, वो सारियां जो डिवेलप हुईयां वो उहदे ब्रेन विच चली गईयां, वो थिंकिंग है, कॉग्निटिव डिवेलपमेंट है। सो कॉग्निटिव ते वो डिवेलपमेंट नाल नाल चलदियां हन। अच्छा उहदे विच नाल नाल वो वर्बल लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट जे बॉल है उसकी इमेज भी अपने इत्थे बनांदा है कि काली बॉल है, हरी बॉल है, नीली बॉल है, छोटी बॉल है, वड्डी बॉल है। अच्छा होर की सी कि उहदे विच अच्छा बॉल का कंसेप्ट डिवेलप हो रहा है कि बॉल विच ते एग विच ते फुटबॉल विच की फर्क है, ठीक हर बॉल राउंड हुंदी है ठीक। सो ये जदो मोटर डेवलपमेंट हुंदी है ते ये सारा कुछ नाल हो रहा है, पर जदो थिंकिंग ते प्रॉब्लम सॉल्विंग है, खास करके थिंकिंग प्रोसेस, उदो मस्कुलर एक्टिविटी विच शामिल नहीं हन ठीक है। सो इस वेले पियाजे दी थ्योरी नूं जे बेस बना लईए ते सब तो अच्छा रिस्पॉन्स बन रहा है मोटर डेवलपमेंट। पर क्योंकि असी अगले क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है, इसलिए जेड़ा अगला ए अडैप्टेशन कंसेप्ट है इसनु भी समझ लेना चाहिए है। अडैप्टेशन दो तरह है, एक तो बायोलॉजिकल अडैप्टेशन जिसनु एवोल्यूशनरी प्रोसेस किया जाता सी, उहदे मुताबक असी की है कि शख्स है इधर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट वड्डा चेंज आ जाता है ते ए उस चेंजिंग एनवायरमेंट के मुताबक अपने आप नु चेंज कर लेना है। दिस प्रोसेस कई बार तो ऑर्गन भी चेंज कर ले, जिराफ दी एग्जांपल दित्ती जांदी है एवोल्यूशनरी प्रोसेस विच। सो इस नु अडैप्टेशन एक कहा जाता है, इहदे विच भी चेंज लियाउणा है एनवायरमेंट विच नहीं, असी अपने आप विच चेंज ले आने हां ठीक। ये बहुत हौली हौली बहुत हौली हौली प्रोसेस है, मतलब काफी साल लग जाते हैं कि ऐदा दे अडैप्टेशन प्रोसेस दा क्वेश्चन साढ़े इहदे विच पाया जाएगा कि ये वो अडैप्टेशन है, नहीं वो नहीं हो सकती। दूसरा केड़ा हो सकता है अडैप्टेशन प्रोसेस जो पियाजे ने अडैप्टेशन प्रोसेस की गल की सी, अडैप्टेशन प्रोसेस बेसिक लर्निंग प्रोसेस है जिहड़ी ओवरऑल चेंज बच्चे विच लियांदी है। अडैप्टेशन प्रोसेस उहदे विच उन्होंने असिमिलेशन ते अकोमोडेशन ठीक है, ये दो एक्टिविटीज नाल नाल चलदियां हन ठीक, ये चलदियां हन, इहदे पिछे इक्विलिब्रियम फोर्स काम करदी है ठीक है। फोर्स जदों कोई बच्चा न्यू एनवायरमेंट न्यू ऑब्जेक्ट देखदा है, ऑब्जेक्ट देखदा है उहनूं उत्ते ओ अपने पिछली नॉलेज जिहड़ी पी के जिसनूं असीं कहिंदे हां ब्रेन विच बनी हुई है पी के पहला तो जिसनु स्कैमा कहा जाता है, वो नवी चीज ते पिछली नॉलेज नु अप्लाई करता है, जे तो उसनु पिछली नॉलेज दे नाल वो नवी चीज समझ आ जाती है ठीक।
एक बॉल सॉफ्ट सी छोटी सी फिर वड्डी बॉल देखी तो उसनु समझ आ गया ते वो ये प्रोसेस हो गई उन्हें थोड़ी जी ऐड कर ली नॉलेज कि बॉल जिहड़ी है उहदा साइज वड्डा भी हो सकता है बॉल थोड़ी सॉफ्ट या हार्ड भी हो सकती है उसनु कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसने इस नॉलेज नु अपने ब्रेन विच स्कैमा विच पहला ही स्कैमा बनिया होया उहदे विच ऐड कर लिया ठीक जदों नवी न्यू नॉलेज जदों न्यू ऑब्जेक्ट बहुत डिफरेंट आ गया नवी सिचुएशन बहुत डिफरेंट आई ते उदों उस ओ पुरानी नॉलेज उसनु सॉल्व करन लई हेल्प नहीं कर रही हेल्प नहीं कर सकती ते ओ टेंशन विच आ गया टेंशन विच आन तो बाद जिहड़ी है ओ देखदा है कि ए ऑब्जेक्ट ही कुछ होर है ए बॉल नाल मैच नहीं कर रहा ठीक है जब मेरी पुरानी नॉलेज ना मैच नहीं कर रहा ते ओ उस नू अपनी टेंशन नू नॉर्मल करन लई सॉरी टेंशन वधदी है इते टेंशन नू घटाना है टेंशन नू घटाउण लई अपना नवा स्कैमा न्यू स्कैमा बना लैंदा है न्यू स्कैमा बनाउण दी प्रोसेस नू किया जांदा अकोमोडेशन ठीक है इस सारी प्रोसेस नू जिहड़ा असीं चेंज निरंतर अपने स्कैमे नू कर रहे हां कि ना ऑब्जेक्ट या एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट नाल इंटरैक्ट करके उस नू किया जांदा है अडैप्टेशन प्रोसेस की दूसरा ये सोचा जा सकता है कि इथे ए वाली अडैप्टेशन प्रोसेस दी गल कीती गई है सो अडैप्टेशन प्रोसेस विच डोमिनेशन किस दी है सॉरी अडैप्टेशन प्रोसेस विच डोमिनेशन किस दी है अडैप्टेशन प्रोसेस विच कॉग्निशन दी जां थिंकिंग दी ठीक है थिंकिंग नु अलग लिखा गया सी थिंकिंग दी थिंकिंग मीन स्कैमा चेंज हुंदा है नॉलेज स्टेट चेंज हुंदी है ठीक लेकिन इदे लई प्लस मसल भी चाहिदे हैं मस्कुलर मूवमेंट एबिलिटीज चाहिदियां हैं ठीक मोटर डेवलपमेंट जदों गल करदे हां ते मसल डोमिनेट ज्यादा करदे हैं मसल डोमिनेट करदे हैं लेकिन थिंकिंग भी चाहिदी है सो इत्थे दोनों विच फर्क की नजर आ रहा है ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੂਲਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਨਸੈਪਟਸ ਸਿੰਬਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕੱਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚ ਮਸਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵਿੰਗ ਚ ਮਸਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਵਾਲੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੇ ਪਿਆਜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪਿਆਜੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਲਰਨਰ ਲਰਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰੈਡੀਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਸਿੰਪਲ ਓਕੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨਾਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ ਨਾਟ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਜੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, सारा बिहेवियरिज्म ने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, वाटसन की क्लासिकल कंडीशनिंग, गुथरी की जी थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो फेवर करते हैं कि स्टिमुलस की जरूरत है, ठीक है। लेकिन कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म टीचर सारे कहते हैं बेशक रोल उन्होंने मुताबक बिहेवियरिज्म मुताबक कुछ हो रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म मुताबक कुछ हो रहा है, और कंस्ट्रक्टिविज्म मुताबक फैसिलिटेटर है। सो असी इसनों भी टिक कर रहे हैं, यह भी चाहिए है, यह भी एलीमेंट है जी, ये भी एलीमेंट मन के चलते हाँ। स्टिमुलस वीक थोड़ा रख सकते हाँ, जे बिहेवियरिज्म होंगे तो यह फिर स्टिमुलस हर हालत च आना सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज व्यू दैट बिहेवियर कुड बी शेप्ड थ्रू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। देखो जिसने क्वेश्चन पाया है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड री इनफोर्समेंट, आप बिहेवियरिज्म च आ गए, री इनफोर्समेंट स्किनर च आ गए, ऑफ रिस्पॉन्सिस मोर नियरली अप्रोचिंग डिजायर्ड बिहेवियर। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन तो सीधा बी एफ स्किनर से असी पहुंच सकते हाँ। बी एफ स्किनर की जो भी थ्योरी है वह असी मैं दस रहा हाँ कि क्लू के इसनों सॉल्व कर सकते हाँ, लेकिन इन डेप्थ भी नाल मैं थोनों दसागा कि किमें करना है। सो जी आ टर्म है सिर्फ तो सिर्फ ये वाला ब्रश ले लेंगे हाँ हाँ, यह सिर्फ तो सिर्फ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जी है ये स्किनर एस के आई एन एन ई आर स्किनर जी के द्वारा है, और स्किनर की थ्योरी केड़ी है ऑपरेंट कंडीशन, ठीक है, राइट आंसर से पहुंच गए। लेकिन जे असी ये देखना हो फॉलोइंग शेप्ड थ्रू ये है केड़ी डेफिनेशन, इसको समझना है तो थोड़ा जा फिर टाइम लगाना पड़ेगा, वो किस तरह है शेपिंग किस तरह बनती है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा डिटेल च नहीं समझावगा। ओके, बी एफ स्किनर का जो ऑपरेटर से पिजन से एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन ये मशीन जो पिछे देख रहे हो इस नाल उसकी जी मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता सी, ठीक। रिकॉर्ड बहुत माइनर लैवल से किया जा सकता सी, प्रिंस जो थ्यूरी है वो की है कि स्किनर यह चाहता सी कि पिजन इतने टच करना सीख ले। इस जो थॉर्नडाइक पावलोव के एक्सपेरिमेंट कंपेयर करोगे तो वेरी सिंपल सी, बिल्ली ने एकदम जो उस टच करना सी, इस तो वापस देखते हाँ बिल्ली कैट इस टच करना सी, बड़ा सिंपल है, बाय चांस उत्थे टच हो सकता सी। लेकिन दूसरे पास जो असी इस देखते हाँ कि पिजन एनी मूवमेंट चो सिर्फ इतने पिन पॉइंट करे, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी, ठीक। सो कंपेयर एक थ्यूरी का फर्क इतने आ जाता है कि थॉर्नडाइक ते पावलोव की जिहड़ी कंडीशनिंग है वह सिंपल टास्क लई है, लेकिन बी एफ स्किनर की कॉम्पलैक्स ते डिफिकल्ट टास्क लई है। हुण जे डिफिकल्ट टास्क सीखना है तो की सीधा जो स्किनर करना चाहते सन कि जदों वह इत्थे चुंझ लगाएगा उदों उहनूं ग्रेन का दाना इत्थे मिलेगा, इत्थे चुंझ लगाएगा ग्रेन का दाना मिलेगा, इत्थे चुंझ लगाएगा ग्रेन का दाना मिलेगा, लेकिन हो की रहा है कि कदे उसने उत्थे चुंझ लगाई नहीं। सो फिर स्किनर ने दोबारा प्लानिंग की थी कि मैं उसनूं बोर्ड ते बना के तुहानूं दसदा हाँ, प्लानिंग की कि मान लो पिजन है चलो पिजन मान लो पिजन है, ये सारा बोर्ड जो तुसी देख रहे हो तो स्किनर यह चाहता है कि इस पॉइंट ते पिजन टच करे, लेकिन कबूतर इत्थे है, ठीक इत्थे है, ठीक है। तो पहला ग्रेन का दाना दिता गया, ग्रेन का दाना जो उस इत्थे मूवमेंट आई है गोल दे बल नूं, गोल दे बल वधिया है, इत्थे दाना दे दिता गया ग्रेन का, तो पिजन ने की किया है कि इहदे इर्द गिर्द रहना शुरू किया, वह कदे इत्थे जा रहा है सॉरी वह कदे इत्थे जा रहा है कदे इत्थे जा रहा है कदे इत्थे जा रहा है। स्किनर ने की किया कि जो अगला स्टैप गोल दे वल नूं उह मूव होया है इत्थे, ते उसने इत्थे आए ते फिर उसनूं दाना दे दिता, स्टिमुलस दे दिता, ठीक है, ये नीले वाला जो है स्टिमुलस हो गया, ठीक। हुण कबूतर इहदी जगह ते फिर कदे ऐनू जा रहा है कदे ऐनू जा रहा है कदे ऐनू जा रहा है कदे ऐनू जा रहा है,
जो नेक्स्ट स्टेप फिर वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हो रही है, स्टेप बाय स्टेप शेप हो रही है, वो फिर कोल पहुंचा है, कबूतर इथे जा रहा है, कदे 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 इथे, जो इधर गोल वाल फिर वध्या तो उसने फिर ग्रीन का दाना देता, फिर इधर 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 गया, जो गोल वाल वध्या उसने फिर ग्रीन का दाना दे दिता, जो इधर वालों इधर स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ओ कहना चाहते हैं। ये सिद्धांत वैसे यूजीसी नेट वाले लिए ज्यादा जरूरी है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन भी नेड़ता, स्टेप बाय स्टेप री इनफोर्समेंट दाना दिता गया, रिस्पॉन्स जो अगे बढ़ रहे हैं, नियरली अप्रोचिंग टू डिजायरेबल बिहेवियर जो मैं गोल बनाया सी। सो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो शेपिंग का प्रिंसिपल समझना है तो इस तरह है। ओके, ए प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट एज्यूम दैट हिज चाइल्ड ट्रेट्स आर ऑल पॉजिटिव बिकॉज वन ट्रेट इज पॉजिटिव इन टर्म्स एज, वो प्रक्रिया जिसके राही मापे मन लेंदे हैं कि उन्होंने बच्चा सारिया विशेषतावां सकारात्मक हैं क्योंकि एक विशेष सकारात्मक है। फॉर एग्जाम्पल इस पहले समझ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मापे मनते हैं कि उन्होंने ये बच्चा है ठीक, ते ओ मैथ विच ठीक है, मैथ विच बहुत होशियार है ठीक है, गुड है, तो ये मान लेंदे हन एक्टिविटी नंबर दो मान लो साइंस, मान लो प्ले, मान लो म्यूजिक, इहदे विच होशियार है, सकारात्मक है, तो उन्होंने मान लिया इहदे विच भी इहदे विच भी इहदे विच भी इसका इफेक्ट इन्हां ते लै लिया ठीक है। इसनों कहा जाता है हैलो इफेक्ट, जो सारे उदे विच होएगा। द प्रोसेस बाय विच पेरेंट अज्यूम दैट चाइल्ड्स ट्रेट आर ऑल पॉजिटिव बिकॉज वो साडा बच्चा ही चंगा है क्योंकि चंगा बोलता है, सिर्फ चंगा बोलता है लेकिन बाकी सब कुछ चंगा करता है। सो ये रोंग जनरलाइजेशन है, इंप्रेशन पाए के असी हैलो इफेक्ट इवेलुएशन विच अक्सर हो जाता है कि एक बच्चा स्पोर्ट्स अच्छा है, टीचर ते प्रभाव पिया है, ते वो कहिंदा यार ये मैथ्स का पेपर है, स्पोर्ट्स अच्छा सी, इहनू मैथ्स भी अच्छे अच्छा अच्छे मार्क्स, उस दे प्रभाव दे मार्क्स उत्थे उहनू दे दित्ते गए ठीक। सो मेरे ख्याल काफी लंबा हो गया है वीडियो, कोई कमेंट हो, सुजेशन, फीडबैक कुछ भी दो, जो पॉइंट थोड़े मुताबिक हैं, एक ऐसी स्लो बेशक चल रहे हैं लेकिन एक गल याद रखो कि थोड़े इनडेप्थ वाले क्वेश्चन भी नाल नाल सॉल्व हो रहे हैं। जेकर तुम इस तरह नहीं पढ़ना चाहते तो मैनू फीडबैक दे सकते हो, फीडबैक मेरे ख्याल से अजे तक हो ही नहीं आई। थैंक यू।